नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य में। मैं डॉक्टर आरसी मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी बीमारियों की जिनमें औषधियों से बहुत अच्छा लाभ होता दिखाई नहीं पड़ता है। कुछ स्किन डिसऑर्डर्स, कुछ ऐसे घाव या ऐसे उन्स जो जल्दी भरते नहीं है, सालों साल पड़े रहते हैं, उनमें से मवाद या सीरम रिश्ता रहता है। कुछ बीमारियां जैसे वेरिकोज वेन, लिम्फेटिक ड्रेनेज डिजीज और कुछ डायबिटिक कार्मंगल्स या ऐसे घाव जो जल्दी भरते नहीं है। ऐसी बीमारियों में रक्त मोक्षण यानी ब्लड लेटिंग, ये चिकित्सा काफी प्रभावी होती है। प्राचीन आयुर्वेद संहिता में रक्त मोक्षण के कई सारे उपाय बताए गए। आज भी रक्त मोक्षण के बहुत सारे तरीके प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसमें कपिंग हुआ, इंसीजन हुआ, निडलिंग हुई या लीच थेरेपी हुई। इस वीडियो में आज मैं जिस चिकित्सा की बात करूंगा उसमें जलावकावचारण यानी लीच थेरेपी के माध्यम से अशुद्ध रक्त को या इम्प्योर ब्लड को शरीर से कैसे बाहर निकाला जाता है और किस तरह से ये जलौकाएं या लीच हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल होती हैं, इसी संदर्भ में यह वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूं। जलौकावचारण या लीच थेरेपी का विस्तृत वर्णन सुश्रुत संहिता में जलौकावचारण नामक अध्याय में पृथक से किया गया है। कितने तरह की जलौकाएं होती हैं, कौन सी जलौका या कौन सी लीच पॉइजनस है, कौन सी नॉन पॉइजनस है, इनको कैसे पहचानेंगे, किन किन बीमारियों में किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है और प्रयोग करने का सही तरीका क्या है, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये पूरी बातें विस्तृत रूप से सुश्रुत संहिता में वर्णित है। इसी जलौकावचारण का मैंने अपने चिकित्सालय में काफी मरीजों को प्रयोग किया है। उनमें से कुछ केस मैं आपके सामने स्लाइड के माध्यम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप देखें, लाभान्वित हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यह एक केस मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यह पेशेंट पिछले 5-6 सालों से इस तरह से नॉन हीलिंग उन्स जो इसके पैर में हुआ है इससे पीड़ित था। इसमें काफी रिसाव होता था, ये सीरम और पस ये पूरे उन से रिस कर इसके पैर में नीचे आता रहता था, जिससे उसे काफी असुविधा होती थी। कपड़े पहनना, शूज पहनना, साक्स पहनना, ये उसके लिए बहुत मुश्किल था। 5-6 सालों से उसने काफी चिकित्सा कराया लेकिन ये उन हिल नहीं हो रहा था। थोड़ा बहुत आराम लगने के बाद फिर स्थिति वैसे ही हो जाती। इसमें नियमानुसार लीच का प्रयोग किया गया। हफ्ते में कम से कम 2 बार मैंने इस पर लीच थेरेपी का प्रयोग किया और धीरे धीरे घाव भरने लगा और अच्छा सुधार आने लगा। ये देखिए, दूसरे घाव में भी वही स्थिति है और यहां से धीरे धीरे हीलिंग हो रही है। ये लगभग 1 हफ्ते के दौरान ये कंडीशन रही। नेक्स्ट वीडियो में ये लगभग 4 बार जलौकावचारण करने के बाद ये घाव पूरी तरह भर गया और ये बिल्कुल केवल मार्क्स रह गए और पूरी तरह ये उंड हिल हो चुका है। इस तरह ये जलौकावचारण में काफी सफल रहा, ये चिकित्सा काफी प्रभावी रही। केस है जिसमें नी ज्वाइंट्स के नीचे उसके पैर में पेशेंट के काफी छोटे छोटे लिम्फेटिक नोड्यूल्स बने हुए थे, कुछ वेरिकोज वेन भी थे जिसमें काफी स्वेलिंग थी और काफी औषधियों का प्रयोग करने के बाद भी उसमें कोई लाभ नहीं होता दिख रहा था। ऐसी अवस्था में इस पेशेंट में जलौकावचारण किया गया और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लीच लगाई गई है और इस पैर में भी एक लीच लगाई गई है यहाँ पे,
जहां जहां नोड्यूल्स थे वहां वहां मैंने लीच का प्रयोग किया और ब्लड सकिंग कराई। इस तरह सप्ताह में कम से कम 2 बार मैंने ऐसा प्रयोग किया। ये देखिए लीच थेरेपी, ये इस तरह से लीच, ये नॉन पॉइजनस लीच है जो इम्प्योर ब्लड को सक कर लेती हैं। कुछ समय पश्चात जब ये प्योर ब्लड को सक करने लगती हैं तो पेशेंट को काटने जैसी पीड़ा महसूस होती है, उस समय हरिद्रा चूर्ण इनके मुख पर डालकर इनको छुड़ा दिया जाता है। फिर नेक्स्ट राउंड में इसी तरह प्रयोग करते हैं और जो अलग अलग नोड्यूल्स हैं उन नोड्यूल्स पर मैंने लीच थेरेपी का प्रयोग किया और 4-5 सीटिंग के बाद काफी उसमें आराम होता दिखाई दिया। तो इस तरह लीच थेरेपी स्किन डिसऑर्डर्स, लिम्फेटिक ड्रेनेज डिजीज, जो घाव भरते नहीं हो, नॉन हीलिंग वुंड्स में, वेरिकोज वेन में काफी लाभकारी होता है। यह अत्यंत प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है और ऐसी चिकित्सा का प्रयोग करने से आशातीत लाभ होता दिखाई देता है। धन्यवाद।